हेलो एवरीवन, कैसा कहा है। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑक्सीडेशन के बारे में, एंड जो ट्रिक्स एंड कंसेप्ट दूंगा उससे आप इस पे बेस्ड आने वाले किसी भी प्रॉब्लम को बहुत इजीली कर लोगे। तो ध्यान से देखो, ऑक्सीडेशन हमें अल्कोहल का कराना है, एल्डिहाइड का कराना है एंड एल्केन का कराना है। अल्कोहल मीन्स वॉट, जिस कार्बन के साथ OH ग्रुप अटैच होना चाहिए वो कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। ध्यान से सुने मेरी बात, जिस कार्बन के साथ OH ग्रुप अटैच होंगे वो कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। इसीलिए ये कार्बन के जो रेस्ट 3 बॉन्ड है, इधर आइदर कार्बन हो सकते हैं या हाइड्रोजन, कार्बन या हाइड्रोजन, कार्बन या हाइड्रोजन हो सकते हैं। डैट मीन्स इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 होना चाहिए और इससे एक OH ग्रुप अटैच होना चाहिए। तो इसका हमें कराना है। एल्डिहाइड तो आपको मालूम है, सी डबल बॉन्ड ओ और ये H फिक्स हो गया, कार्बन के 3 बॉन्ड फिक्स हो गए, तो इधर जो एक बॉन्ड बनेगा आइदर वो कार्बन से अटैच होंगे या फिर हाइड्रोजन से, इसलिए उस कार्बन की हाइड्रेशन sp2 होगी, राइट। और एल्केन में एलिफैटिक का कराना हमें, एलिफैटिक इन द सेंस sp3 वाले कार्बन होंगे। और एरोमेटिक का कराना, एरोमेटिक का भी सेंस यहाँ पे यह है कि बेंजीन रिंग वगैरह लगे होंगे, उससे जो डायरेक्ट कार्बन अटैच होंगे वो वाले साइड चेन ऑक्सीडेशन इसको बोलते हैं। अगेन इसका भी हाइड्रेशन sp3 होना चाहिए। तो पहले क्या क्या होना चाहिए वो क्लियर होना चाहिए आपको। नाउ ट्रिक का जो पॉइंट है, डैट इज़ वेरी वेरी सिंपल एंड वेरी इंपॉर्टेंट, आगे मैं यूज करूँगा। कभी भी एक कार्बन पे, ध्यान दे एक ही कार्बन पे दो OH ग्रुप होंगे तो उस केस में वाटर आपको बाहर कर देना है। क्यों? एक ही कार्बन पे दो OH ग्रुप अनस्टेबल होते हैं। क्यों? क्योंकि इसके पास भी लोन पेयर, इसके पास भी लोन पेयर, तो बहुत ज़्यादा रिपल्शन होगा, अनस्टेबल रहेगा, इसलिए वाटर बाहर कर देंगे। एक से H, एक से OH, तो क्या बन जाएगा? सी डबल बॉन्ड हो, तो ये बन जाएगा। इस पॉइंट का आप ध्यान में रखना, आगे मैं बहुत बार यूज करने वाला हूँ। उसके पॉइंट को लिखा मैंने कि हर एक कार्बन पे, ईच कार्बन कैन कंटेन मैक्सिमम 1 OH ग्रुप। एक कार्बन पे एक OH हो सकता है, एक से ज़्यादा होगा तो वाटर आपको बाहर निकाल देना है, ओके। उसको एक और एग्जांपल समझाया कि जैसे यहाँ पे ध्यान से देखो, तो ये एक ही कार्बन पे दो OH ग्रुप आ गए तो वाटर बाहर कर देंगे, तो ये बन जाएगा। बट यहाँ पे भी दो OH है बट अलग अलग कार्बन पे, ध्यान दो अलग अलग कारण पे, तो इस कारण पे एक OH है, डैट इज ओके। अगेन इस कारण पे OH है, डैट इज ओके। ऐसा स्टेबल है, इसमें नहीं निकालना है, एक ही कार्बन पे होगा तो आपको निकाल देना। नाउ ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, राइट। तो इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या क्या यूज करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। एक होता है माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, डैट मीन्स ना तो ये ज़्यादा स्ट्रांग है ना ही ज़्यादा वीक है। कौन कौन है तो फिक्स है, बस इतना ही ध्यान में रखना है। CrO3 क्रोमियम के ऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस मीडियम, एनहाइड्रस मतलब वाटर वगैरह या एसिड या बेस, कोई ये मीडियम नहीं होना चाहिए, राइट। दूसरा होता है पायरीडीन इन प्रेजेंस ऑफ HCl, कोई भी एसिडिक मीडियम एंड CrO3, ध्यान देना इन दोनों में डिफरेंस है। पायरीडीन इन प्रेजेंस ऑफ HCl एंड CrO3, तो इसको बोलते हैं पायरीडीन क्लोरोक्रोमेट, शॉर्ट फॉर्म में PCC भी लिखा हो सकता है एरो पे, तो ये ध्यान देना। वैसे ही इसका बड़ा भाई है पायरीडीन डाइक्रोमेट, PDC, राइट। तो ध्यान से देखो, अगर कहीं पे भी पायरीडीन वर्ड आ गया तो वो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा इन केस ऑफ क्रोमियम के केस में। ये सब क्रोमियम के ऑक्साइड हैं। एंड कॉपर इन प्रेजेंस ऑफ हीट दे, तो ये भी एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। टेम्परेचर आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, बस समझाने के लिए 573 केल्विन तक होता है ये। तो ये हैं आपके माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वैसे ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, तो स्ट्रॉन्ग में KMnO4, अगेन डी ब्लॉक के ऑक्साइड, मैंगनीज के ऑक्साइड हो गए, KMnO4 इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम हो तो भी, बेसिक मीडियम हो तो भी, न्यूट्रल मीडियम हो तो भी, अल्कोहल के केस में ये तीनों मीडियम में ही स्ट्रॉन्ग का काम करता है। सिमिलरली K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम ओनली, ये सिर्फ एसिडिक मीडियम में वर्क करता है, तो ये भी एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। वैसे ही CrO3, ध्यान देना अगेन क्रोमियम के ऑक्साइड है बट इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम है, यहाँ पे ये एनहाइड्रस था, यहाँ पे एसिडिक मीडियम है, अगर एसिडिक मीडियम होगा तो फिर ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे और इसका स्पेशल नेम है जोन्स रिएजेंट। तो ये आपको पहले क्लियर होना चाहिए कि कौन माइल्ड है कौन स्ट्रॉन्ग है, इसका क्या यूज है मैं बताता हूँ अभी। सबसे पहले डिग्री ऑफ अल्कोहल को आपको देखना है कि अल्कोहल कितने डिग्री का है, 1 डिग्री का है, 2 डिग्री का है या 3 डिग्री का है। डिग्री ऑफ अल्कोहल पहचानना बहुत ईजी है, जिस कार्बन से OH अटैच है
OH जिस कार्बन से अटैच है वो कार्बन एक ही कार्बन से अटैच होना चाहिए, राइट, तो वन डिग्री बोलेंगे, या फिर एक भी कार्बन से ना हो तो भी वन डिग्री बोलेंगे। OH जिस कार्बन से अटैच है वो कार्बन दो कार्बन से अगर अटैच होगा तो टू डिग्री अल्कोहल बोलेंगे। वैसे ही OH जिस कार्बन से अटैच है वो कार्बन तीन कार्बन से अटैच होगा तो थ्री डिग्री अल्कोहल बोलेंगे। तो अगर आपने वन डिग्री अल्कोहल लिया और माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज किया तो इन दैट केस अल्डिहाइड बनेगा आपका प्रोडक्ट। ध्यान देना, वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिक का पॉइंट यही है, अगर वन डिग्री अल्कोहल है माइल्ड वाला लिया है इनमें से कोई भी लिया तो आपको क्या बनाना है अल्डिहाइड। वन डिग्री है स्ट्रॉन्ग लिया, स्ट्रॉन्ग मतलब इनमें से कोई लिया तो क्या बनाना आपको एसिड, एसिड बोले तो सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच ग्रुप आपको लगाना। सिमिलरली अगर टू डिग्री है तो माइल्ड हो या स्ट्रॉन्ग हो डजेंट मैटर, टू डिग्री में सब में कीटोन बनेगा, ध्यान देना सब में कीटोन बन जाएंगे। थ्री डिग्री में इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थ्री डिग्री में माइल्ड होगा तो कोई रिएक्शन नहीं, कोई इफेक्ट नहीं, ये वाले होंगे तो कुछ नहीं होगा। स्ट्रॉन्ग होंगे तो भी आप कह सकते हैं कि कोई इफेक्ट नहीं, क्यों, क्योंकि और ज़्यादा टेम्परेचर और प्रेशर की रिक्वायरमेंट होती है तो जनरली रिएक्शन नहीं होती है, और अगर कराना ही होगा तो मिक्सचर ऑफ एसिड मिलेंगे, राइट, जिसका मैं एक एग्जांपल लेके समझाऊंगा। तो थ्री डिग्री में रिएक्शन जो है वो रेयर है, वन डिग्री में माइल्ड होगा तो एल्डिहाइड, स्ट्रॉन्ग होगा तो एसिड, टू डिग्री में माइल्ड हो या स्ट्रॉन्ग कीटोन, यही 99% पूछे जाएंगे, थ्री डिग्री में पूछा नहीं जाता। अगर पूछा भी जाएगा तो कैसे करना है, तो माइल्ड से तो कोई इफेक्ट नहीं, स्ट्रॉन्ग में मिक्सचर ऑफ एसिड बनाना है, अभी मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। तो ये पूरा आपको पॉइंट क्लियर होना चाहिए। नाउ वन डिग्री अल्कोहल में कैसे वन डिग्री होगा, जिस कार्बन से OH अटैच है वो कार्बन एक ही कार्बन से है क्योंकि बाकी दो हाइड्रोजन हो गए, तो ऐसे ही पहचान सकते हो, तो ये वन डिग्री अल्कोहल है। तो माइल्ड लेंगे तो क्या करना है, माइल्ड के केस में सिर्फ एक ही हाइड्रोजन को जिस कार्बन से OH अटैच है उस कार्बन के एक ही हाइड्रोजन को OH में कन्वर्ट करना है, ये ट्रिक का पॉइंट है। तो ध्यान से देखो, माइल्ड कौन सा है अभी बता दिया, तो माइल्ड में आप क्या करेंगे, एक ही H को OH में कन्वर्ट किया, ये वही वाला पॉइंट हो गया, एक कार्बन पे दो H है, वाटर बाहर कर देंगे तो क्या बन जाएगा अल्डिहाइड, तो इसलिए वन डिग्री में अल्डिहाइड बनाना आपको, राइट। अगर स्ट्रॉन्ग लेंगे तो स्ट्रॉन्ग के केस में क्या करना है, वो दोनों H को OH में कर देना है, ये ट्रिक का पॉइंट है। तो ध्यान से देखो, दोनों H को OH में हमने कर दिया, अगेन एक कार्बन पे दो OH या दो से ज़्यादा हो गए तो एक वाटर बाहर कर दिया, तो अब एक ही OH बचा, एक कार्बन पे एक OH हो सकता है, राइट, तो इसलिए कौन सा बन गया, ये एसिड बन गया। तो इसलिए हमने लिखा था वन डिग्री अल्कोहल माइल्ड होगा तो एल्डिहाइड, वन डिग्री अल्कोहल स्ट्रॉन्ग होंगे तो एसिड, कैसे करना है उसका ट्रिक यहाँ पर आपको बता दिया। अब यहाँ पे एक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि अगर डबल बॉन्ड वगैरह हो गए तो क्या करना है, तो ध्यान से देखो, अगर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है डबल बॉन्ड है तो उसको कुछ अफेक्ट नहीं करना है, सिर्फ ये वाला, क्योंकि यहाँ पे कार्बन चार बॉन्ड बनाएगा, दो ही बॉन्ड है तो दो हाइड्रोजन होंगे, तो इसका मतलब ये वन डिग्री अल्कोहल हो गया, तो अल्डिहाइड बना करके आपको छोड़ देना है, एक हेच को एच करके वाटर बाहर निकाल देना माइल्ड के केस में। स्ट्रॉन्ग के केस में क्या होगा, ये तो ऑक्सीडाइज होंगे ही, डबल बॉन्ड भी ऑक्सीडाइज होंगे, जिसके बारे में ऑलरेडी मैं एक वीडियो लेक्चर में डिस्कस कर रखा हूँ। तो इस केस में क्या होगा, ये दोनों हेच ओ एच में जाएंगे तो सी डबल बॉन्ड ओ एच बनेगा, और चूंकि स्ट्रॉन्ग है तो ये डबल बॉन्ड को ब्रेक कर देना, आपको बता रखा हूँ, इधर भी ऑक्सीजन देना, इधर भी ऑक्सीजन देना, इसके पास हाइड्रोजन है हेच तो उसको ओ एच करना पड़ेगा, इधर भी हेच है तो उसको ओ एच करना पड़ेगा, तो एक ये वाला फ्रेगमेंट हो गया ये वाला पार्ट, तो देखो सी एच थ्री और ये क्या जाएगा सी डबल बॉन्ड ओ एच, तो एक तो ये मिलेगा सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ एच, दूसरा देखो इस कारण पे सी डबल बॉन्ड ओ एच, इस कारण पे सी डबल बॉन्ड ओ एच, तो ये मिल जाएंगे ऑक्सैलिक एसिड। तो ये पॉइंट को ध्यान से समझ लेना फॉर वन डिग्री अल्कोहल। नाउ टू डिग्री के केस में कैसे, जिस कार्बन पे OH अटैच है वो कार्बन दो कार्बन से अटैच है, राइट, या फिर उस कार्बन के पास एक हाइड्रोजन है, तो ये टू डिग्री अल्कोहल हुआ। तो टू डिग्री अल्कोहल के केस में चाहे आप माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लो या फिर स्ट्रॉन्ग लो, डजेंट मैटर, हर केस में आपको कीटोन बनाना है, डैट मीन्स करना है क्या है, इस हेच को सिर्फ OH में कन्वर्ट कर देना है, और एक कार्बन पे दो एच हो गया तो वाटर बाहर चला जाएगा तो आपको क्या मिल जाएगा कीटोन। तो ये है ट्रिक का पॉइंट। नाउ सम ऑफ द एग्जांपल लिए, ध्यान से समझो, जैसे यहाँ पे तो ये क्लियर हो गया कि ये वन डिग्री अल्कोहल है, CrO3 एनहाइड्रस लिखा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, फिर माइल्ड है ये
तो आपको एल्डिहाइड बनाना पड़ेगा। तो CH3CH2 यहाँ पे सी डबल बॉन्ड OH आ जाएगा, तो आपको यहाँ पे ये एल्डिहाइड बना देना है। ध्यान दो, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन पे OH है, तो 1 2 तीसरे कार्बन पे एक OH था, एक जो H था उसको OH में कन्वर्ट करना, और एक H रह जाएगा, वही H है, राइट। और वाटर बाहर करके ऐसे कर देना। सिमिलरली इस केस में कॉपर एंड हीट अगेन माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, अल्कोहल आपका 1 डिग्री है, तो आपको क्या करना पड़ेगा आपको मालूम है, राइट। यहाँ पे जो कार्बन है उस पर आपका हेच रह जाएगा, क्योंकि ये कार्बन पे जो OH है और दो हाइड्रोजन थे, तो एक हाइड्रोजन को OH करके वाटर बाहर कर देना, तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा। ध्यान से समझते हुए चलो। क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पे डबल बॉन्ड है, राइट, और PCC या PDC ले रहे हैं, या कॉपर हीट कुछ भी लिए होते, ये सब माइल्ड हैं, डबल बॉन्ड को इफेक्ट नहीं करेंगे, और ये 1 डिग्री अल्कोहल है, तो अगेन एल्डिहाइड बनाना है, तो क्या हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH और इस कारण पे C डबल बॉन्ड OH एल्डिहाइड देंगे। तो ध्यान से समझ लो, सब एग्जाम्पल लेकर के मैं क्लियर कर रहा हूँ। अब यहाँ पे ये जो अल्कोहल हो गया वो 2 डिग्री हो गया, राइट, क्यों, क्योंकि जिस कारण पे OH है वो दो कार्बन से अटैच है, तो इसके पास एक हाइड्रोजन होगा, राइट। कॉपर हीट ले लो या PCC माइल्ड वाले जो भी ले लो, तो इस H को OH करना है, या स्ट्रॉन्ग भी होता है तो इस H को OH, एक कारण पे दो H है, वाटर बाहर कर देना, तो आपको क्या बन जाएगा कीटोन, तो ये प्रोडक्ट बना देना आपको। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, तो ये 1 डिग्री अल्कोहल है, KNO4 ले लिया है, या CrO3 इन प्रेजेंस ऑफ H+, यहाँ पे एनहाइड्रस नहीं है, या K2, ये सब स्ट्रॉन्ग वाले हैं, तो स्ट्रॉन्ग वाले हैं, तभी बताया कि इसके सारे हाइड्रोजन, दोनों हाइड्रोजन को OH में कन्वर्ट करेंगे, फिर वाटर बाहर जाएगा, तो इस केस में आपको क्या मिल जाएगा, एसिड मिल जाएगा। 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन पे ये होना है, 1 2 3 पे ये, तो एसिड मिल जाएंगे। तो ये है 1 डिग्री 2 डिग्री के लिए। 3 डिग्री के लिए कैसे करना है अभी मैं बताता हूँ। नाउ 3 डिग्री अल्कोहल कैसे हुआ, क्योंकि जिस कार्बन पे OH है वो कार्बन 3 कार्बन से अटैच है, तो ये 3 डिग्री है। कॉपर और हीट के प्रेजेंस में वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, इस केस में क्या हो जाता है, एक्चुअली में इलिमिनेशन हो जाता है। कौन सी रिएक्शन हो जाती है, इलिमिनेशन रिएक्शन, और आपको क्या मिलेंगे, एल्कीन। तो यहाँ पे जो OH है इसके बगल वाले कार्बन, इससे आप हाइड्रोजन लेकर के वाटर बाहर कर देना है, या फिर यहाँ से भी ले सकते हैं, राइट, बगल वाले कार्बन से, या फिर यहाँ से भी ले सकते हैं। तो ये दोनों तो सेम ही है, चाहे ये हाइड्रोजन लो या ये हाइड्रोजन, तो एक प्रोडक्ट आपका कैसा बन जाएगा, डबल बॉन्ड ये वाले। और दूसरा कौन सा बनेगा, अगर ये वाला हाइड्रोजन हटाएंगे तो, ध्यान से देखो, ये वाले, इनमें कौन मेजर होगा, तो एल्कीन की स्टेबिलिटी से, हाइपर कंजुगेशन से। यहाँ पे ज़्यादा अल्फा एच है, 3 3 6 और 3 9 अल्फा एच है, तो इसलिए ये मेजर प्रोडक्ट होंगे, ये माइनर होंगे, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। अभी भी 3 डिग्री अल्कोहल की रिएक्शन ओवर हीटेड कॉपर, ऐसा वर्ड यूज कर सकता है, राइट। तो हीटेड कॉपर के साथ अगर 3 डिग्री अल्कोहल की रिएक्शन कराओगे तो इलिमिनेशन हो जाएगा, जिस कारण पे OH होगा उसके बगल वाले कार्बन से H हटा करके, डैट मीन्स वाटर को बाहर करके आपको एल्कीन बना देना, और कौन मेजर होगा वो आपको समझा दिया हूँ, राइट। सिमिलरली अगर 3 डिग्री अल्कोहल है, KNO4 है, K2Cr2 स्ट्रॉन्ग है, तो नो रिएक्शन, राइट। बहुत ज़्यादा टेम्परेचर प्रेशर अगर आप दोगे तब जाकर के रिएक्शन होती है, इसलिए ये पूछा ही नहीं जाएगा, या फिर जनरली नॉर्मल कंडीशन में नो रिएक्शन। बहुत ज़्यादा टेम्परेचर प्रेशर देंगे तब मिक्सचर ऑफ एसिड बनेगा, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होकर करके सी डबल बॉन्ड OH, कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक करना पड़ जाएगा, तो वो रेयर होती हैं, इसलिए आप बोलेंगे नो रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे कॉपर एंड हीट है, तो अगेन हो जाएगा, बट ये 3 डिग्री है, तो ये कार्बन पे OH है, तो इधर भी हाइड्रोजन है, राइट, तो इससे ले सकता हूँ, और इधर लूँ या इधर लूँ सेम ही बात है, तो आपको दो टाइप के प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे, राइट। इधर में ये डबल बॉन्ड प्लस एक ये वाले, तो ये ज़्यादा मेजर होगा, क्यों, क्योंकि इसमें अल्फा है ज़्यादा है, तो इस तरीके से करना है। बट यही 3 डिग्री का KNO4 से, तो आप क्या बोल देंगे, नो रिएक्शन। नाउ ज्ञान की बात, और डेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखो, ये 1 डिग्री अल्कोहल हुआ, कॉपर हीट है, तो एल्डिहाइड तो बनाएंगे, तो करना है कि आपको ऑक्सीजन का एक हाइड्रोजन और कार्बन का एक हाइड्रोजन, ये H2 के फॉर्म में यहाँ पे बाहर करना है, ध्यान दें H2O नहीं, H2 के फॉर्म में बाहर करना है, तो ये HH चले जाएंगे, तो क्या बन जाएगा CH3, ये सी डबल बॉन्ड O और एक H रह जाएगा, एल्डिहाइड बन जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे क्या बोलेंगे इसको, डीहाइड्रोजिनेशन। नेम पे ध्यान देना, डी मतलब बाहर निकलना, हाइड्रोजिनेशन मतलब हाइड्रोजन यहाँ पे बाहर जाता है, ये
इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान देना। वैसे ही अगेन 2 डिग्री अल्कोहल है, कॉपर हीट है, तो अगेन ऑक्सीजन का ये H और कार्बन का ये H हाइड्रोजन के फॉर्म में चला जाएगा, तो ये भी डिहाइड्रोजिनेशन ही है और बन क्या जाएगा आपका कीटोन बन जाएगा, राइट। तो यहाँ पे C डबल बॉन्ड हो CH3 कीटोन बन जाएंगे। बट इन केस ऑफ 3 डिग्री अल्कोहल कॉपर हीट है तो इलिमिनेशन होता है। इलिमिनेशन में क्या होगा, ये पूरा OH जाएगा एक, और इस कार्बन का यहाँ पे तीनों कार्बन सेम ही है तो एक हाइड्रोजन जाएगा, तो वाटर बाहर जाएगा, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे, डिहाइड्रेशन। तो पूछा जा सकता है ओवर हीटेड कॉपर 1 डिग्री 2 डिग्री अल्कोहल होता है तो डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन होती है, 3 डिग्री होता है तो डिहाइड्रेशन, क्योंकि वाटर जाता है, तो ये ध्यान रखना। और इस केस में आपका CH3 C डबल बॉन्ड CH2 CH3 एल्कीन बन जाएगा, तो ये पॉइंट ध्यान रखना। वैसे ही अगेन एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है फिनॉल, तो फिनॉल की रिएक्शन अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक KMnO4 K2Cr2O7 इन सबसे अगर कराओगे तो बेंजो किनोन मिल जाएगा। डैट मीन्स ये वाला डबल बॉन्ड को शिफ्ट कर देना इधर, ये इसको इधर शिफ्ट कर देना और इधर वाला डबल बॉन्ड ओ कर देना जो यहाँ पे बनाया, तो इम्पॉर्टेंट है ये, सिर्फ स्ट्रांग होगा तभी ऐसा होगा, अदरवाइज वीक या माइल्ड में नहीं होगा। और अगर जिंक वगैरह ले लिए, जिंक डस्ट, तो ये ओ को जिंक खा जाएगा, ZnO बन जाएगा, तो सिर्फ बेंजीन मिल जाएगा। तो ये ज्ञान की बात बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं, ध्यान रखना। नेक्स्ट ऑक्सीडेशन ऑफ एल्केन, तो एल्केन में ध्यान से देखो, अगर एलिफेटिक होगा तो वो जो हाइड्रोजन होना चाहिए वो 3 डिग्री वाले कार्बन से अटैच होना चाहिए, तभी होगा। जैसे यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन है वो 3 डिग्री वाला एक हो गया, क्यों, क्योंकि जिस कार्बन से अटैच है वो कार्बन 3 कार्बन से अटैच है। तो आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक KMnO4 या K2Cr2O7 राइट ये सब यूज करेंगे, तो ये H को OH कर देना, अल्कोहल मिल जाएगा। ध्यान दे जब 3 डिग्री होगा तो, 2 डिग्री वाले होंगे 1 डिग्री तो नो रिएक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे, तो ये 1 डिग्री वाला हाइड्रोजन है, ये 2 डिग्री वाले हैं, ये 2 डिग्री, ये 1 डिग्री, तो इस केस में नो रिएक्शन, कट मार दिया, नो रिएक्शन, ओनली 3 डिग्री वाले को करना है एलिफैटिक में। नेक्स्ट वन इज दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, साइड चेन ऑक्सीडेशन, और ये कई बार पूछा जाता है। बेंजीन से जो कार्बन अटैच है उसके पास कम से कम एक हाइड्रोजन होना चाहिए, तभी ये होगा, डेफिनेटली फिर ये sp3 होगा, राइट, एल्केन की बात कर रहे हैं हम। तो अगर बेंजीन से जो कार्बन अटैच है उसके पास कम से कम, ध्यान दें, एटलीस्ट एक हाइड्रोजन होगा तभी ये होगा। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक KMnO4 या K2Cr2O7 यूज करेंगे, तो कुछ नहीं करना आपको, ये सी डबल बॉन्ड OH कर देना है, बाकी सबको बाहर कर देना है, तो बेंजोइक एसिड बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे, तो बेंजीन के बगल में कार्बन है, इस कार्बन पे बाय द वे 2 हाइड्रोजन है अभी, KMnO4 इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम लेंगे, तो ये सबको हटा देना, बस ये कार्बन पे सी डबल बॉन्ड OH कर देना है, बाकी का क्या हुआ वो बाय प्रोडक्ट है, उससे मतलब नहीं है, ये बन जाएगा आपका, ये इंपॉर्टेंट है। वैसे यहाँ पे ध्यान से देखो, तो अगेन इस कार्बन पे तो 3-3 हाइड्रोजन है, इस पे भी हैं, तो ऐसे केस में फिर क्या करोगे आप, दोनों जगह सी डबल बॉन्ड OH कर देना है। और कैसे हुआ, तो वेरी इजी, यहाँ पे 3 H थे राइट, वैसे ही सोच सकते हो, H को OH करेंगे, OH करेंगे, OH कर देंगे राइट, और एक कण पे 2 H अनस्टेबल, तो वाटर आप जब बाहर करोगे तो वही आ जाएगा, ऐसे आप थिंक कर सकते हो। सिमिलरली यहाँ पे ध्यान से देखो, तो अगेन ये साइड चेन ऑक्सीडेशन हो जाएगा, ये जो कार्बन है इसके पास बाय द वे एक हाइड्रोजन बचा है, तो फिर आपका रिएक्शन हो जाएगा, और कुछ नहीं करना, बस सी डबल बॉन्ड OH कर देना है, इस कार्बन को पकड़ना, बाकी को हटा देना है राइट, तो दिस इज कॉल्ड साइड चेन ऑक्सीडेशन। अगर इस केस में सब जो ऐसा होता तो फिर रिएक्शन जल्दी नहीं होती, वेरी ड्रास्टिक कंडीशन में होगा, नॉर्मल कंडीशन में ये रिएक्शन नहीं होंगी। नाउ ज्ञान की बात, और डैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि अगर टॉलुइन अगर आपने लिया, डैट मीन्स बेंजीन पे अगर एक CH3 ग्रुप है तो इसको बोलते हैं टॉलुइन, और माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेंगे तो क्या करना है, अल्डिहाइड बनाना है। तो जैसे इस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, जो बेंजीन है एज इट इज, इस कार्बन पे जो 3 हाइड्रोजन थे उसमें से 2 ही हाइड्रोजन को OH में कन्वर्ट करके वाटर बार कर देंगे, तो सी डबल बॉन्ड OH ये बन जाएगा अल्डिहाइड। इसको बोलते हैं इटार्ड रिएक्शन, जिसके बारे में ऑलरेडी मैं ट्रिक्स दे रखा हूँ नेम रिएक्शन में, ओके। वैसे ही अगर ये लें इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्राइड तो भी आपको यही प्रोडक्ट बनाना है। तो ये सब माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बनते हैं। नेक्स्ट, अगर
लाइट इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरीन हो तो सबसे पहले आपको क्या कराना पड़ेगा, फोटो हेलोजिनेशन, डैट मीन्स ये वाले कारण पे जो दो हाइड्रोजन है उसको Cl से रिप्लेस कर देना है। और फिर चूंकि यहाँ पे वाटर दिया है तो हाइड्रोलिसिस, तो बता रखा हूँ लेस को मोर, मोर को लेस, क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसको H, इसको OH, फिर ये बॉन्ड पेयर करके इसको H, इसको OH, तो क्या हो गया अगर आप ध्यान से देखो तो आप ऐसे थिंक कर सकते हो, इस कारण पे दो OH आ गए, वाटर को आपको बाहर कर देना है तो फिर से क्या मिल जाएगा आपको, एल्डिहाइड। तो ये तीनों से ही बेंजल डिहाइड मिलेंगे, इम्पॉर्टेंट है माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में। नाउ नेक्स्ट ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड, राइट। तो ये एल्डिहाइड हो गया आपका, तो एल्डिहाइड के लिए बहुत सारे एजेंट यूज कर सकते हैं, जैसे KNO4 इन प्रेजेंस ऑफ H+ प्लस स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, या K2Cr2O7 इन प्रेजेंस ऑफ H+ प्लस ये भी यूज कर सकते हैं, या सिर्फ नाइट्रिक एसिड लिख दे क्योंकि नाइट्रोजन यहाँ पर प्लस 5 में है तो ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा। AgNH3Hol2 उस पर प्लस 4, डेट मीन सिल्वर यहाँ पे प्लस 1 में होना चाहिए, जिसको बोलते हैं टॉलिंस रिएजेंट, इसके बारे में एक वीडियो लेक्चर बना रखे हैं, राइट, टेस्ट से रिलेटेड। वैसे ही फेलिंग टेस्ट वाले कॉपर प्लस 2 एक्वस एक्टिव होते हैं, राइट। तो इन सब केस में आपको क्या करना है, एल्डिहाइड को एसिड में कन्वर्ट कर देना है, डैट मीन्स सब में प्रोडक्ट क्या हो गए, CH3, CH2, ये C डबल बॉन्ड हो, ये जो H था आपका उसको OH कर देना है, तो ये बन जाएगा आपका। अगर बेसिक मीडियम होगा तो ये H हटा कर करके सिर्फ आपको एनायन फॉर्म में रखना है, एसिडिक मीडियम लोगे तो फिर ये बन जाएंगे, तो हर केस में एसिड बन जाएगा, ये ध्यान रखना है। सिर्फ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो फेलिंग टेस्ट में बता रखा हूँ, अगर बेंजल डिहाइड लेंगे तो कोई रिएक्शन नहीं होगी, किससे, सिर्फ फेलिंग वाले से, बाकी सब से होगा। तो क्लियरली समझ लेना कि अगर एल्डिहाइड होंगे तो सब केस में एसिड मिलेगा, इन केस ऑफ बेंजल डिहाइड, बेंजल डिहाइड के केस में ये वाले केस में फेलिंग टेस्ट नहीं देगा, बाकी सब में हो जाएंगे आपको एसिड बनाना है। तो आई होप मेरा ये प्रयास आपको पसंद आया होगा। बेटा ये जो ऑक्सीडेशन वाले हैं जिसमें हमने अल्कोहल, एल्केन और एल्डिहाइड को डिस्कस किया, वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार इस पर बेस्ट क्वेश्चन आए हैं, जो कंसेप्ट समझाया हूँ, जो रिएजेंट दिया हूँ, बस उतना ही ध्यान रखना है, उससे बाहर कुछ नहीं है। इस पर बेस्ट बहुत सारे प्रॉब्लम आप PYQ के इजिली कर सकते हो। थैंक यू।